जी हाँ दोस्तों, अभी भी हरियाणा से सबसे बड़ी अपडेट आ रही है। तीन बड़ी घोषणाएं अभी अभी कर दिया सीएम खट्टर ने। हरियाणा सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए 22 सितंबर से बाजरे की सरकारी खरीद आरंभ करने का निर्णय भी ले लिया है। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के हेडफर्ड के अधिकारियों को खरीद प्रक्रिया के सुचारू संचालन के निर्देश भी दे दिए हैं। हालांकि बाजरा की सरकारी खरीद 1 अक्टूबर से ही शुरू होती है। दूसरी अपडेट ये आ रही है, पुरानी प्रदर्शन करके दुष्यंत चौटाला याद दिलाएंगे पुरानी पेंशन का वादा। वहीं 28 सितंबर को उचाना में प्रदर्शन करेंगे कर्मचारी। हरियाणा कर्मचारी संघ 28 सितंबर को उचाना में प्रदर्शन कर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को पुरानी पेंशन देने समेत अन्य वादों को याद दिलाएंगे। रोडवेज भवन में वीरवार को अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी परिसंघ को सुबुद्ध हरियाणा कर्मचारी महासंघ की राज्य स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया है। तो दोस्तों, तीसरी अपडेट यह है कि श्रमिकों के स्थान तक पर शिक्षा लेने वाली बेटियों को इलेक्ट्रिक स्कूटी लिए मिलेंगे 50,000 रुपये। मनोहर लाल खट्टर ने अभी अभी कर दिया बड़ा ऐलान। तो दोस्तों, हरियाणा की तीन बड़ी घोषणा पर आ गई नई अपडेट। वहीं आपको बता दिया जाए कि हरियाणा में सभी बेटियों को मिलेंगे 50,000 रुपये, वो इलेक्ट्रिक स्कूटी लेने में सक्षम ही हो जाएंगी। वहीं आपको बता दिया जाए कि श्रमिक नागरिकों को मिलेंगे 2,000 रुपये हर महीने। मुख्यमंत्री ने कर दिया बड़ा ऐलान।